सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। इस वक्त हम खड़े हैं बाणगंगा में, जो माँ वैष्णो देवी का यात्रा का मुख्य पड़ाव दक्षिणी डोडी है। वहाँ पर दैनिक सवेरा की टीम ने एक खबर को लेकर जांच पड़ताल करना शुरू की, तो उस खबर को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पे एक खबर चलाई जा रही थी कि वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो 21 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस संदर्भ में जब हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार जी से बात की, तो उनका कहना था कि इस तरह की अभी तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई है, ना ही MHA की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइंस आई हैं जो यात्रा शुरू की जाए। जब उनसे लोकल यात्रा को लेकर बात की गई, तो उनका साफ कहना था कि अभी तक लोकल यात्रा भी जो है नहीं शुरू की जाएगी जब तक कोई भी गाइडलाइंस ऊपर से नहीं आ जाती हैं। सोशल मीडिया पे सुबह से एक खबर चलाई जा रही थी, वो खबर कि माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो 21 जुलाई से शुरू होने वाली है। और उस खबर में जो फोटो लगाया गया था वो माँ वैष्णो देवी के मुख्य पुजारी सुदर्शन पुजारी जी का था। इस बात को लेकर जब हमने सुदर्शन पुजारी से बात की, तो उनका कहना ये था कि ये जो फोटो लगाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो 21 जुलाई से शुरू होने वाली है, तो इस संदर्भ में जब उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा, शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। भगत जनों, मैं माता रानी जी से आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, माँ को याद कर रहे होंगे। आज थोड़ा मन दुखी हुआ, किसी ने मेरा फोटो लगा के ये लिखा था कि 19 तारीख को यात्रा चालू हो रही है। दोस्त जनों, ये तथ्यों से दूर है, कोई ऐसी डेट अभी नहीं निकली है, आज 2 जुलाई है। मैं आप सबको यही बोलता हूँ कि वो दिन जगत जननी माता रानी जल्दी से जल्दी लाए कि माँ का दरबार खुले, उसके इंतजार में मैं आप सबका अपना श्राइन बोर्ड पूरी तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन वो दिन तभी आएगा जब वातावरण पूरा अनुकूल होएगा, तभी यात्रा माँ की दरबार की खुलेगी। जे 19 तारीख का किसी ने जो बोला हुआ है ये बिल्कुल गलत है, और जे मैंने नहीं बोला है वो उसने जिसने भी लिखा ये गलत है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर गलती से भी अगर किसी ने ऐसा बोला तो माता रानी उससे पहले पहले ही ऐसी हालात बनाए, अच्छे बनाए कि माता रानी जल्दी से जल्दी आप सबको, हम सबको अपने चरणों में, दरबार में अपने बुलाए। जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जब इनसे बात हुई तो इनका यही कहना था कि इस तरह के जो भ्रम हैं यात्रा को लेकर ना फैलाए जाएं, सोशल मीडिया पर किसी की भी फोटो लगाकर यात्रा शुरू करने को लेकर लोगों में ये बातें ना फैलाई जाएं जिससे लोगों को भ्रम फैले। इस संदर्भ में जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से CEO से भी हमारी बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो यात्रा को लेकर गलत खबरें चला रहे हैं। दैनिक सवेरा की टीम ने जब जांच पड़ताल की तो इस पड़ताल में ये पता लगा कि ये खबर बिल्कुल झूठी है। कैमरामैन शुभम के साथ बाणगंगा से अरुण शर्मा, दैनिक सवेरा के लिए। दुख इस गल का नहीं सी कि मैंने छड़ के जा रही सी, दुख तो बस इस गल का सी कि इन्ने सालों तो आप नाल सी, पर मैं कदे अपने दिल दियां गल्लां नहीं उहदे नाल साझियां कर सकिया। ओपन चैलेंज 17-time गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।